देश के साथ साथ नालागढ़ में भी गुरु रविदास जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर नालागढ़ में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में गुरु रविदास की झांकी निकाली गई। शोभा यात्रा गुरुद्वारे से शुरू होकर नालागढ़ बाजार से होते हुए वापस गुरुद्वारे पर खत्म हुई। इस दौरान गुरुद्वारे में गुरु रविदास की प्रतिमा पर हजारों की संख्या में लोगों ने शीश नवाया और एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। गुरु रविदास गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान शीतल कुमार ने कहा कि बाबा जी का 641वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। श्री गुरु रविदास जी के जन्मदिन से साड़ी जी कमेटी है नालागढ़ इस सड़क की बड़ी धूमधाम के नाल मना रही है जी। ये बाबा जी का 641वां जन्मदिन है जिहड़ा कि दुनिया भर अज के दिन मनाया जा रहा है। ठीक है जी, इस तरह ही साड़ी नालागढ़ कमेटी जी बाबे जी की वह भी अपना धूमधाम के नाल मना रही है तो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। शोभा यात्रा के नाल बाबा जी का लंगर जिहड़ा अटुट वरत रहा है। इस विच जी ढाडी जथे साडे हैगे जी सुखदेव सिंह जी हुशियारपुर तो अवतार सिंह जी कोना तो गुरचरण सिंह जी डाढ़ी तो तीन जथे साडे इत्थे जिहड़े भाग ले रहे हैं। जनता संगत को निहाल करनगे अपने शब्द नगर कीर्तन जनाब इतों बाबा जी के दरबार से चलिया तो उपर भला गुरद्वारा जिहड़ा सिंह सभा गुरद्वारा उतों वापस घूम के राज के महलों के नेड़े तो वापस इतने पहुँच जाता तीन 3:30 बजे के लगभग पहुँच जाता। सर ऐसा है ना, रविदास जयंती है आज पूरी दुनिया में बहुत अच्छे तरह से मनाई जा रही है और अच्छे ढंग से मनाई जाती है। इसी तरह से आज नालागढ़ में भी गुरु रविदास गुरुद्वारा जी में और नगर कीर्तन निकाला गया इनका। पूरे नालागढ़ में घूम के आज घूम के सारा यहाँ आएगा, घूम के 3-4 बजे आ जाएगा और यहाँ पर गुरु का लंगर भी अटूट बरतेगा। बहुत अच्छे तरह से मनाया जाता है। 641वीं गुरु जयंती है जी और यहाँ पे हर साल मनाई जाती है, इसी तरह से धूमधाम से मनाई जाती है जी। बहुत अच्छा माहौल है जी, बहुत अच्छी संगत इकट्ठी हुई है, बहुत ही ज़्यादा संगत इकट्ठी हुई है जी, बहुत अच्छी तरह से मनाई जाती है जी। नालागढ़ से कैमरामैन अनवर के साथ सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।